दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, पर इसमें होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा युद्ध में मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का होता है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत युद्ध में ना जाने कितने योद्धा मारे गए थे। ऐसे में आपने यह सोचा है कि क्या हुआ था महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवा पत्नियों का। वैसे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना खून बहाने वाले सभी योद्धा 15 सालों के बाद फिर से एक बार जीवित हो गए थे। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते। और क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद बची हुई विधवाओं का, और क्या सच में उस महाभारत के युद्ध के बाद और क्या सच में उस महाभारत युद्ध के 15 साल बाद सभी योद्धा जीवित हो गए थे, जानेंगे आज इन सभी सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज अभिषेक हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा बने। धृतराष्ट्र व गांधारी और कुंती का आशीर्वाद लेने के बाद ही राज काज का काम आरम्भ करते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा बहुत खुश थी, पर इसी प्रजा के बीच में कुछ स्त्रियां थीं जो खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थीं, पर इसका एहसास जरा भी युधिष्ठिर को नहीं होने देती थी। समय बीता, धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। हालांकि भीम के मन में धृतराष्ट्र को लेकर अभी भी द्वेष भाव था, इसीलिए भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह दिया करते थे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ अपमानजनक बातें कह दी, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए बहुत समय हो गया है, भीम की बातें अब मुझसे सहन नहीं होती, इसीलिए अब मेरे लिए वन प्रस्थान करने का समय आ गया है और मेरे लिए अब वन में रहना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र ने यह बात गांधारी को जाकर बताई। उसके बाद गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ वन जाने के लिए निर्णय लिया। हालांकि यह बात विदुर और संजय को पता चली तो वह भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का फैसला करते हैं। फिर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनसे सारी बात कहते हैं। पहले युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन जाना चाहते हैं, तो उनको और अधिक दुख होता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि वह कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए प्रस्थान करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए धन मांगा। भीम ने ईर्ष्यावश धृतराष्ट्र को धन देने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कर्म पूर्ण कराया। फिर जो समय तय किया गया था उस पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इन सभी को वन जाते हुए देखा तो पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निर्णय किया। हालांकि पांडवों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और धृतराष्ट्र, गांधारी के साथ वन चली गईं। महल से निकलने के बाद धृतराष्ट्र व सभी लोगों ने एक रात गंगा नदी के किनारे बिताई। कुछ पल वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से वन की दीक्षा ली, सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते समय धृतराष्ट्र घोर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का तप इतना कठोर था कि
कि उनके शरीर का मांस सूख गया और सर पर महाऋषियों की तरह जटाएं आ गईं। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या भी करते रहते। इस तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र और अन्य लोगों को एक साल बीत गया। उधर हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव के मन में यह बात आई कि वह वन में रह रहे अपने परिजनों को देखा जाए। उन्होंने यह बात अपने पांडव भाइयों को बताई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, वन जाने की तैयारी करो, हम अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे अपने परिजनों से भेंट करने जाएंगे। इस तरह पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की तैयारी की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र व आदि लोगों से मिलना चाहते थे, और उनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थीं जिनके पति कुरुक्षेत्र में मारे गए थे। पांडव अपनी सेना और प्रजा के साथ चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय और विदुर रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें दुख भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब युधिष्ठिर को वहां विदुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए तब उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा तो धृतराष्ट्र ने बताया कि वह वन में कठोर तप कर रहे हैं। हालांकि उसी समय विदुर जी धृतराष्ट्र के आश्रम की ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन इतने सारे लोगों को आश्रम में देखकर विदुर जी लौटने लगे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें वापस लौटते हुए देखा तो वह विदुर के पीछे वन की ओर दौड़ने लगे। वन में विदुर युधिष्ठिर को एक पेड़ के नीचे खड़े हुए दिखाई दिए, और जब युधिष्ठिर विदुर जी के समीप गए तो विदुर जी के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने यह देखा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है तो युधिष्ठिर ने उनका दाह संस्कार करने की कोशिश की। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर और उनकी समस्त प्रजा ने वह रात वन में ही बिताई। अगले ही दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महाऋषि वेद व्यास जी आए। युधिष्ठिर ने विदुर को शरीर त्यागने की बात वेद व्यास को बताई। तब वेद व्यास जी ने बताया, युधिष्ठिर धर्मराज यानी कि यमराज के अवतार हैं, इसीलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर में समा गए। सबसे मिलने के बाद वेद व्यास जी वापस लौटने लगे। तब उन्होंने देखा धृतराष्ट्र व गांधारी समेत सभी हस्तिनापुर के समस्त वासी अपने उन परिजनों के शोक में डूबे हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में वीर गति पाई थी। ऐसे में वेद व्यास जी धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती से कहते हैं कि आज मैं आपको अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब गांधारी ने अपने पुत्रों व कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। तब हस्तिनापुर के सभी वासियों ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महाऋषि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आप सब आज रात देख पाओगे। ऐसा कहकर महाऋषि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महाऋषि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। सूर्य अस्त होने के बाद महाऋषि वेदव्यास ने गंगा जी में खड़े होकर अपने तपोबल से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुलाया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र घटोत्कच और द्रौपदी के पांचों पुत्र राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी सहित युद्ध में मारे गए सभी योद्धा पानी से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को वापस से अपने सामने देखकर सभी हस्तिनापुर के वासी प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र भी दिए थे ताकि वह भी अपने पुत्रों को देख सकें। सभी ने अपने अपने परिजनों से बात की।
तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अब अन्य लोक में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। सारी रात अपने परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में जो शोक था वह खत्म हो गया। यह मुलाकात सिर्फ एक ही रात की थी। सुबह होते ही महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी योद्धा अपने अपने लोक जाने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए, पर अपने से दूर जाते हुए अपने पतियों को देखकर हस्तिनापुर की विधवा दुखी हो जाती हैं। यह देखकर ऋषि वेदव्यास कहते हैं, जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह इस गंगा जी के पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेद व्यास की यह बात सुनकर वे सभी महिलाएं जो अपने पति से असीम प्रेम करती थीं, वह गंगा के इस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अपने पति के साथ उनके लोक चली गईं। तो दोस्तों, इस तरह से महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धा पुनः एक बार अपने परिजनों से मिलने आए थे।